हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचाल। आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर यूनिट 11। ओके, द किंग एंड ट्री गॉडेस। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्टिविटी 1 to 5। ओके, इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 6 पार्ट 3, यानी 2 पार्ट्स कंप्लीटेड। ओके, योर 2 पार्ट्स कंप्लीटेड। नाउ पार्ट 3। ओके, एक्टिविटी 6 पार्ट 3। ओके, सो लिसन केयरफुली। ओके, दैट्स ट्रू इनफ, दैट्स ट्रू इनफ, गुड ट्री गॉडेस, सेड द किंग, बट ऑल द सेम I cannot spare you. My mind is made up. My will cannot be shaken. मतलब कि किंग ने कहा, यानी जब उसने बोला ना कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे मेरे जो शरीर है, बॉडी, उसको 3 हिस्सों में काट दी जाए, जिससे जो नीचे ग्रास है उस सबको, क्योंकि इतना बड़ा नीचे से ही काट देंगे तो इतना, जब बड़ा देवदार का पेड़ होता है, कितना बड़ा होता है, तो वो पूरा गिरेगा तो बहुत सारे इंसेक्ट जो क्रिएचर्स होते, ओके, वो मर जाएंगे, ग्रास सब वो टूट जाएगा ना, बहुत कुछ नुकसान होगा। इसलिए उनकी ऐसी इच्छा थी कि मेरे को 3 हिस्सों में काट दिए जाए। ओके, सो फिर किंग ने उसने बोला कि तुम्हारे लिए तुम दूसरी जगह घर बना दो सपने में आके। तो फिर राजा ने बोला कि नहीं, मैं मेरा माइंड चेंज नहीं करूँगा ऐसा। ओके, कि मैं अपना जो प्लान है, यानी मेरा जो पैलेस बनाने का जो मेरी जो इच्छा है, उसको मैं पूरी करके रहूँगा, कुछ भी करके। बस वही रहा किंग को था पहले तो। ओके, चलो, यहाँ पर किंग ने कहा कि अच्छा है, ट्री गुडेस इनफ है, इतना बट, यानी राजा समझ तो रहा था, पर राजा है, किंग है, सो किंग जो होते वो थोड़े जिद्दी होते। ओके, सो उसने बोला कि हाँ ठीक है, बट ऑल द सेम, यानी कुछ भी कहो, लेकिन अब मैं तुम्हें आपको बचा नहीं सकता। आई कैन नॉट स्पेर यू, मतलब मैं आपको बचा नहीं सकता। ओके, मैंने मेरा जो माइंड है वो बना दिया है कि मुझे पैलेस बनाना है, बस, यानी मेरे माइंड को अब समझा दिया है कि पैलेस बनाना है इसी तरीके से। ओके, माई विल कैन नॉट बी शेकन, मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो मैं कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, यानी मैं मेरे डिसीजंस को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा, यानी मैं अपने डिसीजन पे पक्का रहूँगा ऐसा। ओके, मैं मेरी जो दृढ़ निश्चय उसको हिलने नहीं दूंगा ऐसा। ओके, द ट्री गॉडेस सैंक हर हेड अपॉन हर बेस्ट ब्रेस्ट एंड स्पोक इन टोन्स ऑफ ग्रेट सॉरो। अब ट्री गॉडेस थी ना, उसने अपना जो सिर है ना वो सैंक किया। सैंक मतलब ऐसे झुक के नहीं करते उस तरीके से। ओके, अपॉन हर ब्रेस्ट, यानी अपने ब्रेस्ट पे वो ऐसे झुकाया, और उस इतने दुख, ग्रेट सॉरो मतलब इतना महान, बहुत ज़्यादा दुख। ओके, एक दर्द बोलते हैं ना, गमगीनी होती जाती है, दर्द होता है अंदर, क्योंकि किंग था वो मान ही नहीं रहा था, उसको तो उसको काटना ही था, तो उसको तो, क्योंकि वो तो इतने सालों से वो देवदार के पेड़ में रहती है ना वो गॉडेस, पर अभी जब अचानक से काटेंगे तो उसको दुख तो होगा ना, तो उस बहुत दुख के साथ वो बोली, देन माइटी किंग ग्रांट मी 1 last request, लेट मी बी फेल्ड इन 3 parts, फर्स्ट माई हेड विथ इट्स क्राउन ऑफ हैविंग ग्रीनरी, नेक्स्ट माई मिडल विथ इट्स 100 strong आर्म्स एंड हैंड्स, एंड लास्ट माई बेस विच पियर्स द हैवीएस्ट एंड नॉटीएस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन टू इट। अब तो फिर जो किंग था वो तो मान ही नहीं रहा था, एक का तो नहीं हो रहा था, तो फिर वो ग्रैंड जो गॉडेस ट्री थी ना, उसने कहा माइटी किंग, माइटी यानी अच्छे भले। ओके, माइटी किंग ग्रांट मी 1 last request, मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है तुमसे, वो ग्रांट कर दो, मतलब उस पूरी कर दो ऐसा। ओके, बोले मेरी एक लास्ट
रिक्वेस्ट है उसको पूरी कर दो ऐसा। लेट मी बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स, क्या तुम मुझे 3 हिस्सों में गिरा सकते हो, यानी तुम लेट मी बी फेल्ड इन 3 पार्ट्स मतलब क्या तुम मुझे 3 हिस्सों में गिरा सकते हो यानी काट सकते हो ऐसा। ओके, फर्स्ट माई हेड, सबसे पहले मेरा हेड विथ इट्स क्राउन ऑफ हैविंग वेविंग ग्रीनरी, जो क्राउन मतलब 3 पेड़ किस तरीके से, जैसे रूट्स होता है, रूट्स के ऊपर ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के ऊपर पत्ते होते हैं, पत्ते में फ्लावर, इस तरीके से होता है कि। तो बोले कि मेरे जो जब तुम आप लोग काटो तो उसे 3 हिस्सों में काटो। ओके, सबसे पहले उसका हेड, हेड मतलब कैसा, ऊपर का, सबसे ऊपर का जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है वो एरिया। ओके, उसको काटना है। नेक्स्ट माई मिडल, नेक्स्ट माई मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, यहाँ हाथ और आर्म्स एंड हैंड्स मतलब उनकी जो ब्रांचेस होते हैं डाल लिया, उसकी 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स उसका यूज़ करके तुम बनाओ। ओके, यानी उसको फिर काटना तुम, सॉरी। एंड लास्ट माई बेस, एंड लास्ट माई बेस विच बियर्स द हैवीस्ट नॉट टेस्ट ऑफ माई लिप्स अपॉन इट, और सबसे लास्ट में मेरे बेस मतलब नीचे का हिस्सा जो है बेस, उसको काटना, जिसने जो सबसे बड़ा ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, नीचे का जो हिस्सा होता है ना लास्ट बेस, वो बहुत मजबूत है, जितना वो मजबूत होता है उतना ट्री मजबूत होता है। ओके, तो बोले कि बहुत सारे लास्ट बेस मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है, ओके, नीचे का हिस्सा, ट्रंक का जो नीचे का हिस्सा, ओके, विच बियर द हैवीएस्ट एंड ब्रॉन्टेस्ट ऑफ माई लिम्स अपॉन इट, एक्चुअली बहुत ऐसा माना जाता है कि लास्ट में जो कि बियर्स मीन्स के ट्रंक जो होता है ना, उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट होता है। नॉटिस्ट मीन्स कैसा होता है, होता है एकदम डिफ़िकल्ट, मतलब उसको काटना बहुत ही डिफ़िकल्ट। ओके, तो इस तरीके से। ओके, और लिम्स मीन्स जो डालियाँ होती हैं उसके लिए यूज़ किया गया। ओके, यहाँ कोई बॉडी के पार्ट्स नहीं है बच्चों। ओके, नाउ दिस इज़ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सेड द किंग, I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke thrice. Why not suffer it once and have done with it? अब राजा ने फिर क्या कहा, जब वो गॉडनेस थी उसने बोला कि मेरा उसका शरीर बोल सकते हम पेड़ को, के उसको 3 हिस्सों में काटो, तो जो किंग था वो तो शॉक हो गया, क्योंकि एक अलग थे। दिस इज़ अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, स्ट्रेंज मतलब एक विचित्र, बोले एकदम डिफरेंट, किसी को सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसी रिक्वेस्ट थी किंग ने बोला। ओके, कि मैंने इसके पहले ऐसे किसी के मुंह से इस तरीके की विश नहीं सुनी कि वो 3 बार मरना चाहेगा, 3 बार स्ट्रोक मतलब झटके खा के मरना चाहेगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मर जाए तो कोई दर्द ना हो, ऐसे ही भगवान ले ले, तो उसमें भी ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत लाइफ टाइम के लिए होती है। ओके, पर यहाँ गॉडेस एक ऐसा समझो कि हम लोग एक इंसान लोग होते वो ही सिर्फ बड़े होते, एक ट्रीज और एनिमल्स होते वो, और एक ट्री का पेड़ देखना उगाओगे तो छोटा होता फिर बड़ा हो जाएगा। ओके, यानी ऐसा भी मानने में आ गया है कि उन लोगों में भी और हमारे में जैसे जीव होता है उन लोगों में भी होता है। ओके, सो 3 बार वो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें भी जीव तो है ना, आत्मा, ये सही समझो ना, क्योंकि हम लोग पेड़ को एक पवित्र मानते, पेड़ को पवित्र मानते और उसको काटते नहीं, तो ये कैसी इच्छा हुई इसकी कि 3 टाइम काटो मुझे, पहले हेड, फिर बीच में का रास्ता, बीच में जो मिडल में, फिर लास्ट वाला, तो ये किस तरीके से हुआ। ओके, तो किंग था वो, उसको थोड़ा सा अलग हुआ, वो कुछ अलग फील करने लगा कि ऐसी विश जो है वो मैंने पहले कभी कहीं पर भी सुनी नहीं है, ये कैसी विश है कि कोई भी ऐसी विश तो नहीं लेगा कि वो मौत को
तीन बार मौत मांगे, क्योंकि सफर होगा ना तीन बार मरने का। तो बोले वाई नॉट सफर इट वंस एंड हैव डन विथ इट, क्यों एक ही बार में उसको सफर नहीं करते, यानी एक ही बार में जो करना है कर लो ऐसे सफर। ओके द रीजन इज प्लेन सेड द ट्री गॉडेस, डजन्स ऑफ योर दर ट्रीज हैव स्प्रंज फ्रॉम मी एंड हैव ग्रोवन अप अराउंड मी, शुड यू फेल मी विथ वन माइट स्ट्रक माई वेट वुड सर्टेनली क्रॉस ऑल माई चिल्ड्रन टू डेथ, बट इफ आई सफर द स्ट्रॉक थ्री टाइम्स एंड फॉल इन थ्री पार्ट्स पीसीज सम ऑफ द यंग वंस मे एस्केप इज माई प्रेयर ग्रांटेड। ओके यानी बोले रीजन एकदम सही है, प्लान है, मतलब सीधा रीजन है। द रीजन इज प्लान सेड द ट्री गॉडेस, ट्री गॉडेस ने कहा कि जो रीजन है कारण है वो एकदम साफ है। ओके कि मेरे जो यंग डियोदर पेड़ है, ओके मेरा जो डियोदर पेड़ है उसमें कैसा है कि पहले भी उस डियोदर का पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो के बोले कि मेरे वेट से ही बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब एनिमल्स के, ओके जो जिसकी डेथ हो चुकी है, बट आई सफर द स्ट्रोक थ्री टाइम्स, हाँ लेकिन मैं तीन बार स्ट्रोक को सहूंगी। ओके फॉल इन थ्री पीसेस, और तीन हिस्सों में गिर गई। सम ऑफ द यंग वंस में एस्केप, उसमें से कुछ यंग वंस थे वो एस्केप चले गए, मतलब नाश छूटे। ओके इज माई प्रेयर ग्रांटेड, क्या मेरी प्रेयर ग्रांटेड हो गई, यानी मैं अच्छे काम करूँगा मेरी जो भी प्रेयर है वो फीस ग्रांट होगी। ओके इंडीड इट इज, इंडीड इट इज सेड द किंग एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन। ओके किंग ने कहा खरेखर इंडीड इट इट, यानी सही में वो है। ओके एज जिस तरह से ट्री गॉडेस ने उसको बोला ना, तो ट्री गॉडेस ने फेडेड फ्रॉम हिज विजन। ओके यानी ट्री गॉडेस है, ट्री गॉडेस उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया धीरे से। ओके नज़रअंदाज कर दिया। ओके द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन एंड हिज मिनिस्टर्स एंड हिज फॉरेस्टर्स टू हिम एंड टोल्ड देम दैट ही हैड चेंज हिज माइंड एंड दैट द कॉलम फॉर द न्यू पैलेस बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट वुड। ओके यानी दूसरे दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरी सुबह में। ओके नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड हिज चिल्ड्रन, किंग ने अपने बच्चे को बुलाया। ओके किंग ने अपने बच्चे को बुलाया, अपने मिनिस्टर को बुलाया और अपने जो फॉरेस्टर्स थे उनको भी बुलाया, और उनको सबने बताया कि किस तरीके से उसने अपना माइंड जो है वो चेंज कर दिया था। बोले कि अब है ना वुड में नहीं, यानी लकड़े पर नहीं, क्योंकि वो थर्ड होता है वो लकड़ा ही होता है ना। ओके लकड़े में नहीं पर एक अच्छे से स्टोन पे बिल्ड करना है। ओके ये सारा अरेंजमेंट है आपको करना है, यानी उसका जो हृदय परिवर्तन जिसको बोलते ओके वो हो गया, मतलब कि अब वो लकड़े पर घर नहीं बनेगा दूसरी जगह बनेगा। चलो फॉर सेड ही विथ इन द डियोदर ट्री लिव्स अ स्पिरिट नॉबलर देन माई ओन एंड ही टोल्ड देम ऑफ द ऑफ हिज विजन एंड दे ऑल मार्वेल्ड। ओके उसने कहा कि मेरे लिए विद इन द डियोदर ट्री लिव्स अ स्पिरिट नॉबलर देन माई ओन, बोले कि डियोदर ट्री है उसके अंदर एक स्पिरिट नॉबलर ओके है रहता है, यानी स्पिरिट एक देवी रहती है, आत्मीय देवी। ओके वो रहती तो उस ओके तो उसने सबको बताया। ओके उसने सबको बताया और जो विजन होती है ना साइट उसकी दृष्टि, दे ऑल मार्वल
मतलब वो सारे सब इतने प्रशंसनीय लग रहे थे, एडमायरेबल लग रहे थे. ओके. एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस, एंड द किंग बिल्ट हिज पैलेस अपॉन अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्टोन. और फिर क्या हुआ, किंग ने उसका जो पैलेस है वो एक बड़े से कॉलम, ग्रेट कॉलम, और स्टोन, स्टोन का जो एक बड़ा सा हिस्सा नहीं होता, जैसे कई कई जगह बहुत सारे स्टोन भी होते, स्टोन मतलब पत्थर. ओके. और हार्ड भी होते, तो उस तरीके की बात करेगी. ओके. तो क्यों किंग ने अपना जो पैलेस बनाने का जो डियर पेड़ में था वो माइंड चेंज कर दिया, और उसने अपना पैलेस है ना एक ग्रेट कॉलम में, स्टोन स्टोन कॉलम में क्रिएट किया है, बिल्ड किया है. टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द किंग, टेकिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ द किंग, नो वन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ वुड एनी मोर. ओके. यानी ऐसा बोलो कि ये एग्जाम, किंग का ये एग्जाम्पल सुन के, किंग जो राजा होगा उसके उसके एग्जाम्पल सुन के, इतना सा कहें कोई अपना घर है, नो वन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ वुड. ओके. जो वुड है उसके अलावा ऐसा मान जाए कि बिल्ड नहीं कर सकते, और वुड एनी मोर, एक तो वुड भी है कोई भी तरीके से. ओके. द हाउसेस वर मेड ऑफ, द हाउसेस वर मेड ऑफ, स्टोन एंड द ग्रेट डियोदर्स वर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू आउट द फॉरेस्ट. और फिर महान जो डियोदर है, तो उसमें क्या हुआ कि महान तो वो एबल था कि एकदम फ्रीली स्प्रेड कर सके फॉरेस्ट तक. ओके. क्योंकि फॉरेस्ट में सबसे बड़ा यही था. ओके. एंड इफ यू गो अप इन टू द माउंटेन्स, इफ you go, if you go up into the museums, as said grandmother, you can still find those forests all the way up the scarred river Ganga to its resource near the eternal house snows, sorry, eternal snows. Okay. Students, यहाँ आपका जो video है वह हमें यहाँ स्टॉप करें. नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 5. ओके. बाय.